जैसलमेर में बढ़ती दोपहिया और चौपहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस अधीक्षक जैसलमेर ने चोरी रोकने के लिए कोतावली में तैनात अनुसंधान अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं और इसके बाद पुलिस ने डालूराम जाति सुथार निवासी खडीन बाड़मेर एवं अन्य संदिग्ध को दस्तयाब कर पूछताछ की है। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पूर्व हुई चोरियों के मद्देनजर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर के वांछितों की तलाशी की है और इसके अलावा शहर में लगे सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला गया, जिस पर पुलिस को वाहन चोर को पकड़ने में सफलता मिली है और पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने राजस्थान एवं गुजरात से लगभग 25 चौपहिया वाहन चुराकर आगे बेचे गए हैं। गौरतलब है कि डालूराम लगभग एक वर्ष जेल में रहने के बाद 5 फरवरी को बाहर आया और फिर से वाहन चोरी करने में सक्रिय हो गया। अभी शहर में पिछले दिनों में जो बोलेरो चोरियां हुई हैं, ये उसके संदर्भ में है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारी कोतवाली की टीम ने एक बोलेरो चोरी तो 12 घंटे के अंदर ही खोल दी है। इसके अलावा दूसरी बोलेरो जो शहर में कलेक्ट्रेट के सामने से उठाई गई थी वो भी खुलासा हो चुका है और दोनों बोलेरोज भी हमारे पास आ